चौधरी देवीलाल परिवार के चार सदस्य पहली बार एक साथ उतरे संसदीय चुनाव में। 1984 में देवीलाल व चौटाला ने, 1998 में देवीलाल व रंजीत सिंह ने लड़ा था चुनाव। हरियाणा के सियासी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही परिवार के चार सदस्य संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सियासी घराने देवीलाल परिवार के चार सदस्य इस बार चुनावी मैदान में है। देवीलाल के बेटे रंजीत सिंह पौत्रवध हुए हैं। नैना चौटाला व सुनैना चौटाला हिसार से एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो देवीलाल के पौत्र अभय चौटाला एक बार फिर से कुरुक्षेत्र से इनेलो की तरफ से उम्मीदवार हैं। ऐसा भी पहली बार है जब देवीलाल घराने से दो महिलाएं संसदीय चुनाव लड़ रही हैं। खास तथ्य यह है कि रंजीत सिंह व अभय सिंह दोनों ही दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र से ही ताल ठोक रहे हैं। रंजीत सिंह ने साल 1998 में हिसार से कांग्रेस की टिकट पर, जबकि अभय चौटाला ने साल 2004 में चुनाव लड़ा था। इससे पहले एक साथ 1984 में देवीलाल ने सोनीपत से, जबकि उनके बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने हिसार से चुनाव लड़ा था। उल्लेखनीय है कि देवीलाल के परिवार के सदस्य प्रदेश में सबसे अधिक चुनाव लड़ चुके हैं और अब उल्लेखनीय है कि देवीलाल के परिवार के सदस्य प्रदेश में सबसे अधिक चुनाव लड़ चुके हैं और अब इस परिवार के चार सदस्य चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले एक सदस्य चार सदस्य ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। 1990 में देवीलाल सोनीपत से सांसद चुने गए थे। 1984 में उन्होंने सोनीपत से चुनाव लड़ा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1989 में वे सीकर व रोहतक से सांसद चुने गए। इसी तरह से 1991, 1996 और 1998 में चौधरी देवीलाल ने रोहतक संसदीय सीट से चुनाव लड़ा। 1998 में कांग्रेस की टिकट पर रंजीत सिंह ने हिसार से चुनाव लड़ा था, हार गए थे। 1999 में अजय चौटाला भिवानी से सांसद चुने गए, जबकि 2004 और 2009 में वे भिवानी से चुनाव हार गए। 2014 में दुष्यंत चौटाला हिसार में सांसद निर्वाचित हुए। 2019 में एक बार फिर से परिवार के तीन सदस्यों ने चुनाव लड़ा। दुष्यंत चौटाला जजपा की टिकट पर हिसार से चुनाव हार गए, जबकि अर्जुन चौटाला इनेलो की टिकट पर कुरुक्षेत्र से पराजित हो गए। इसी तरह से 2019 में दिग्विजय चौटाला सोनीपत संसदीय सीट से जजपा की टिकट पर चुनाव हार गए थे। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक, किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया, मिलेगी सबसे पहले हर खबर। चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका